लोक भलाई युवा दल वालों लोक भलाई के कार्यों के मद्देनजर बटाला दाणा मंडी विच एक प्रभावशाली समागम दौरान जिथे 31 गरीब जोड़ियां दे समूहिक आनंद कार्ज करवाए उत्थे 200 दे करीब गरीब विधवावां नूं अनाज वंडण दे नाल गरीब बच्चां नूं मुफ्त किताबां अते नौजवानां नूं खेडण वल उत्साहित करन लई खेड किट्टां वी वंडियां। इस समागम दे विच RTI कमिश्नर रविंदर नाकी अते बाबा मग्गा समेत होर अहम शख्सियतां ने शिरकत करके नव व्याहियां जोड़ियां नूं आशीर्वाद दित्ता अते संस्था दे इक लोक पक्षी कार्ज दी शलाघा वी कीती। अज दा इह जो लोक भलाई युवा दल दी समुची टीम वालों महान जो समागम करवाया जा रहा, जिस समागम दे विच 31 लड़के लड़कियां दे आनंद कार्ज जो 31 जोड़ियां दे अज विवाह होए ने उन्हां दा ऐसी जो संस्था वालों पिंड पिंड घर घर जाके विचर के देखिया कई ऐसे परिवार ने असी खबरां दे विच लाई जाने आ कि साढ़े समाज जिहड़ा भरूण हत्या खत्म होनी चाहीदी, भरूण हत्या ना करो, बेटी दे बेटे नूं एक दर्जा तो दिता गया पर इहदे वास्ते किसी ने विचार नहीं की। कई ऐसे परिवार ने जिहड़े कि कई परिवारां दीआं जिहड़ियां धीआं ने 35-35 साल दीआं हो गईआं पर वह शादी नहीं कर सके क्योंकि उन्हां दी आर्थिक जिहड़ी पक्षों वह इन्ने असमर्थ नहीं कि वह अपनी लड़की की शादी कर सकन। इस चीज़ नूं देखदिआं होइआं साडी लोक भलाई युवा दल दी समुची टीम ने फैसला लिया कि वह गरीब परिवारां दी मदद की जावे जिहड़े इन्हां चीज़ां तों असमर्थ ने जिन्हां नूं कि असीं ये जो इस संस्था के जरिए उन्होंने लड़कियों शादियां करवाइया जान जो भ्रूण हत्या जैसी जड़िया ने घटनावां उन्होंने रोकया जा सके। देखो मैं इस प्रोग्राम लई साडे प्रधान साहब जड़े ने गिल साहब इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना, इन्हां दी पूरी टीम इधर कबड्डी के बादशाह खलोते ने होर सारे पतवंते सज्जन बटाले के पूरे इलाके के लोग आए ने। मैं समझना कि इदा के काम शायद पंजाब कोई विरला ही बंदा करता होगा कि अपने पल्यों पैसे भी लाने, बेटिया के विह करने और उन्होंने घर वसाने, ये सब तो व्डा परोपकार है। बाकी काम सारी दुनिया करी जाती है। ये इदा की संस्था है लोक भलाई युवा दल रजिस्टर्ड पंजाब, इन्हों प्रधान साहब ने और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं महाराज अगे अरदास करना कि सच्चे पातशाह इन्हों की दिन दूनी रात चौनी तरक्की हो, इन्हों सारे साथी भैन इन्हों के मैंबर सबनों बहुत बहुत बधाई है। गुरदासपुर तो भोपाल सिंह की रिपोर्ट, जग सेवक वैब टीवी।